कुछ गैरों ने खत पाए ने, गैरों ने खत पाए ने, सुने है तू साडे उजड़न दे खुफिया जश्न मनाए ने, सुने है तू साडे उजड़न दे खुफिया जश्न मनाए ने, यारां तो खबरां आईयां ने सानू मिलियां अज वधाईयां ने। गुस्सा ना करिया कर दुनिया दे तान्यां दा, अणजाण लोकां लई तां हीरा भी कच्च दे बराबर हुंदा। दोस्तों स्वागत करदे हां तुहाडा नवें वीडियो दे विच, अते तुसी देख रहे हो महक दी सुगात। ते अज दी खास वीडियो दे विच जिहड़ी अपनी गल्लबात आ ते जिन्हां दा आपां जिक्र करांगे ते जिहड़ी शख्सियत नाल तुहाडी मुलाकात करावांगे, तुसी पिछे वेख रहे हो फकर बंदे आ ते जिहड़ी गायकी आ जदों सुर लाउंदे आ तां तुसी ऐ मन के चलो वी नुसरत साहब नूं उह याद दिवाउंदे आ। ते गल्लबात आपां करदे आ ते बाबा जी दा घर भी तुहानूं दिखाउंदे आ ते उहनां दा टैलेंट भी तुहानूं दिखाउंदे आ, तां उह दोस्तों लै के चलदे आ तुहानूं बाबा जी कोल। सत श्री अकाल बाबा जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। ते जी आयां नूं शुरू आ। ते बाबा जी जिवें काफ़ी सुरखियां 'च चल रहे हो इस वेले हबोर शहर के विच, ते पूरे पंजाब 'च भी जिक्र आ क्योंकि बाई डाक्टर की आपां वीडियो वेखी सी उहनां दे चैनल ते, ते थोड़े नाल आउंदे रहिंदे आ, लाइव भी कई वारी वेख्या, तां अज पूरे पंजाब 'च भी चर्चा हो रही है ते हबोर शहर 'च भी अच्छा नाम बन रहे आ, तां की कहना चाहुंदे हो? बस यही कहना चाहुंदा जी भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का जिन्होंने मैनू सामने लिया, सब जी के सब का प्यार मिले मैं इन्हों की बदौलत, मैं इन्हों का धन्यवाद करना चाहता और मैं बहुत अच्छा लगता भी मैं निमाणा मेहनत मजदूरी करने वाला अज भी मेहनत मजदूरी करदा जी और फकीर के लड़ लग्या है। बस इन्होंने मैं पब्लिक के सामने लैके आता, स्रोतों के सामने लैके आता, मैं बस इन्हों का धन्यवाद करना चाहता और धन्यवाद करना चाहता उन्होंने जी जिन्होंने मैं प्यार किया, उन्होंने भी करदा जी जिन्होंने हले तक मैं नहीं देखा। तो गायकी की शुरुआत कदों जी? गायककारी की शुरुआत तो जी मैं शादीशुदा सी, बच्चे मेरे उम्र के वड्डे वड्डे हो गए थे जी, उदों मैं जी साढ़े इतने गुरु मुर्शद जी साढ़े उन्होंने मैं सेवा दे विच जांदा हुंदा सी, उन्होंने गुरु साहिब मानता से, उन्होंने गद्दी ते असीं भजन कीर्तन गाँवते हुंदे सीगे जी पीरों फकीरां दे, ते गाउण वाले मुंडे होर हुंदे सी, मैं तो उत्थे सेवा संभाल चिराग बत्ती करदा सीगा जी, ते उन्हां दे मगर बोलण दा मतलब कि मैनूं शौक जाग्या, मैं बोलन लग पाया जिस वेले मैंने कहते तेरे आवाज़ ही बहुत वधिया, फिर मैंने सारे पहला कमाउ लग गए तू वधिया कवालियां कवूलियां गाया कर, पर उतों मेरी जिंदगी की समझ लो जी शुरुआत हो गई मालक की मेहर हो गई। एक किन्ने चर पहले की गल है? ये तकरीबन हो गए जी 25 साल मान लो तुसी इस गल। हाँ जी। यानी 25 साल तो तुसी इस लाइन दे विच हो? हाँ जी। हाँ यानी 25 साल पहले शुरुआत हुई सी गाउण दी? हाँ जी। ते फिर दर्शकों लई जिहड़ा आगाज आपां कित्थों करांगे? दर्शकों लई आगाज जी मैं तो परम सत्कारयोग उस्ताद दुर्गारंग गिला जी नूं अपना मुरछद मानदा जी, उन्हां नूं सुन के अज गाउण दा मैनूं शौक उठा सीगा जी। ठीक है। और मैं ज़्यादा उन्होंने सुनता जी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब सुनता जी, ठीक और उन्होंने गां जिक्र करता जी उन्होंने गाँवना जी। ठीक है। तो आने दौ जी पहला। अखियां ने चढ़िया लाइया अज यादा तेरिया आईया ने, वतना नू आ जा ढोलना ढोलना, वतना नू आ जा ढोलना, दिन रात चली होके तेरी राह तका मैं, जी भी ना सका चन्ना मर भी ना सका मैं, दिन रात चली होके तेरी राह तका मैं, जी भी ना सका चन्ना मर भी ना सका मैं, तू जदों याद आवें रोवा कुर लावा मैं, तू कित्थे वसे ना किदे कोले आवा मैं, तकदीर ने शामा पाइया अज यादा तेरिया आईया ने, वतना नू आ जा ढोलना ढोलना, वतना नू आ जा ढोलना ढोलना, हो ढोलना वे वे ढोलना
तो बाबा जिमें थोड़े इंटरव्यू होर भी वेखे जिमें अपने हरपेज भाई भी करके लै गया सी। हाँ जी। ते दुर्गा रंगीला का भी तुसी जिक्र करते रहते हो तो कदे मिलना भी होया उन्होंने? नहीं जी मिलना नहीं होया जी। मैं अज बड़ी मुश्किल दे नाल जी अज गुरु पूर्णिमा है। अज गुरु पूर्णिमा जी और गुरुआ नूं प्रणाम किया जाता चरणों के अज बड़ी मुश्किल दे नाल मैं अज उस्ताद जी का नंबर लभ्या अज और हाँ जी दुर्गा रंगीला जी का और उन्होंने मेरी गल नहीं हुई अगों उन्होंने मैंने क्या कहें जी वो बिजी है अज मैं फिर हम शाम गल करूँगा। ठीक है जी गुरु के चरणों के प्रणाम करना जरूरी है जी अज गुरु पूर्णिमा और उन्होंने चरणों के मैं जरूर पेश करूँगा उन्होंने गाया हुआ। तो मैं दर्शकों को कहना चाहना भी बाबा जी का जोड़ा लगाव आ दुर्गा रंगीला जी नाल बहुत ज़्यादा है तो अपने पंजाबी दे पंजाब का नाम बहुत रोशन करिया उन्होंने अपनी गायकी नाल। तो वीडियो नू शेयर करो तो दुर्गा रंगीला जी तक पहुँचे तो अगे फिर बाबा जी बस आई है जी बस मैं उन्हों का आशीर्वाद मिल जाए और उन्होंने चरणों के मैं एक जरूर पेश करूँगा उन्होंने गाया हुआ। ठीक है कठिया जीण दे वादे करके सब कॉल भुला के बह गए खुशियां दे सौदागर सी जो साढ़े हासे खो के लै गए हो मिट्टिया दे नाल पैरों उत्ते असी मैल बना दे रह गए यारां तो खबरां आईयां ने सानू मिलियां अज वधाईयां ने कुछ गैरां ने खत पाए ने गैरां ने खत पाए ने सुने आए तू साडे उजड़न दे खुफिया जशन मनाए ने सुने आए तू साडे उजड़न दे खुफिया जशन मनाए ने यारां तो खबरां आईयां ने सानू मिलियां अज वधाईयां ने ए वक्त किसे दे प्यो दा नी कि पता कदों फिर जावे ए वक्त किसे दे प्यो दा नी कि पता कदों फिर जावे पता उदों लगदा पंछी जद पिंजरे दे विच घिर जावे औखे वेले तो मित्र की औखे वेले तो मित्र की छड जांदे अपने साए ने छड जांदे अपने साए ने सुने आए तू साडे उजड़न दे खुफिया जशन मनाए ने सुने आए तू साडे उजड़न दे खुफिया जशन मनाए ने यारां तो खबरां आईयां ने सानू मिलियां अज वधाईयां ने। क्या बात है। ते दर्शको आवाज़ वेखो ते जान वेखो ते गले च ठहराव देखो बाबे दा ते मैनू नहीं लगता जिहड़े अज छी छी सत सत लख रुपया ला के गाणा करवा रहे आ उन्हां च वी ओह भी मैनू नहीं लगता इहो जिहे सुर ला सकदे हुण जिहड़े बाबा जी ला रहे आ। ते बाबा जी जिवें 25 साल पहला आगाज करिया ते कदे किसे ने बाह नहीं फड़ी मतलब भी हाँ यार बहुत सिरा गलबात है ते चल अगे लैके चलदे आ? ते नहीं जी मतलब कि उस समय की गल है जी उस समय पैसे बहुत लगते सी अज तो जी धन्नवाद आ कि तुसीं ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਬਸ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਮਰ ਜੀ ਮੇਰੀ 45 ਹੋ ਗਈ ਜੀ 45 ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਟੱਪ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰ? ਹਾਂਜੀ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਜੀ
28 साल मेरी शादी न हो गई जी, उदो मेरे बच्चे है नहीं सी, उस समय तो मैं मतलब मंडी च काम करता आ रहा। ठीक है, तो जिंदगी तो कदे कोई शिकवा? जिंदगी तो कोई शिकवा नहीं जी, सानू मालक ने मेरा परिवार दिता जी, चलो खुशी खुशी रहने असी। अज साडे तकरीबन 3 महीने हो गए, साडी नेरी ने सारा कुछ तोड़ता सी। आ विखाओ उत्ते थोड़ा जा। नेरी ने सब कुछ तोड़ता सी जी, जदों कहते ने जी लड़ लगे दाते दे, तो जो बंद परखण तो आता जी फटके झोल दिता जी। आ देखो जी, पहला साडा सिर का उत्तों छत उड़ गई, तो एक पल दे विच सानू पता नहीं लग्या साडी फ्रिज खराब हो गई। सानू दाता परख रहा, कोई गल नहीं जी, उहदी रजा जिवें सानू चाहुंदा रखी जांदा। ये भी बहुत वड्डी गल है, यानी बाबा जी ने पूछा जिंदगी तो कोई शिकवा, उत्ते छत है नहीं, पर ये कहिंदे फिर भी उहदी रजा च राजी हैं, तो बहुत सिरा गलबात है। तो चंगे गायक दे नाल नाल एक चंगे इंसान भी है, यही चीज़ा बाबा जी दी गल्लां तो झलक रही हैं। तो बाबा जी फिर जाते जाते कोई दर्शकों लिए होर जाते जाते जी, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब नूं एक बार फिर याद करूँगा आप दी सामने। तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, लेने रोके तेरा ना मेरे सजन, किथे जावा आवे ना कित मैनू चैन, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, कदे तू रहिंदी सी मेरे कोल मैं करां याद नी, कल्ले उड़ीकां बैठ के, कदे तू रहिंदी सी मेरे कोल मैं करां याद नी, कल्ले उड़ीकां बैठ के, दिल देके मैनू सुख मिले या ना कोई, आवें तो सुनावा जो भी मेरे नाले होई, चंगा नहीं कीता तोड़ के दिल मेरा, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने। दोस्तों ज़्यादा कुछ मैनू कहने की लोड़ नहीं, क्योंकि तुसी वेख्या तुसी आप ही अंदाजा ला रहे होना भी किन्नी क तकड़ी आवाज़ है बाबे दी, ते किहो जिहे सुर बाबे ने लाए है। तो वीडियो नू लाइक ते शेयर जरूर करियो, फिर मिलते हैं अगली बार किसी होर वीडियो दे विच, ते धन्नवाद जी।